आज इलेक्शन 2024 का इलेक्शन एमपी इलेक्शन एमएलए का एक साथ आता है और उड़ीसा में जब भी इलेक्शन होता है तो कई नेता निकलते हैं, लेकिन हमारे सामने में सर का परिचय जाएंगे। आपका पूरा नाम सर? ज्ञानेंद्र बहरा। जी बहरा बाबू, इसके पहले भी आप कंटेस्ट में आ गए थे, एक बार कोई इलेक्शन में आए थे सर, तो आपका न्यूज कवर किया था क्योंकि आप इंडिपेंडेंट खड़ा हुए थे, आपका प्रेस क्या टू बहुत सा बिजनेस भी रहता था। तो सर आज जो प्रोग्राम हो रहा है, आपका मन में कैसा विचार रहा है कि मैं एमपी में खड़ा हूँ? देखिए, पहले तो मैं संभलपुरिया हूँ, संभलपुर अपने कोसल अंचल पश्चिम अंचल से बिलोंग्स करता हूँ, तो बाहर से आके यहाँ पे आदमी खड़ा हो रहे हैं। हमें एक बार इलेक्शन में वो लोग जीत जाएंगे तो यहाँ का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, फिर दिल्ली चले जाएंगे या फिर बनस्पत चले जाएंगे। तो अपने लोकल मुद्दा जो है उसको देखते हुए मैं इलेक्शन में खड़े होने का विचार किया। तो सर जी, सर आप खड़े हुए, ये पहले आप तो मन मनाए रहे हैं हम इलेक्शन में खड़ा होंगे, तो आप कुछ ऐसा कुछ प्रोग्रेस काम किए कि लोग आपको याद करें, आपको वोट दें? हाँ, मैं झांसवा में बहुत सारे किया हूँ प्रोग्रेस, जैसे आस हो गया, पॉल्यूशन हो गया, लोकल एम्प्लॉयमेंट हो गया, रास्ता के जो चौक में है वाइन सेंटर उनका विरोध किया हूँ, और लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत सारी रैली निकाला हूँ। जी सर, नहीं संबलपुर के लिए अभी आपने क्या किया, जो एरिया में आप खड़ा हो रहे हैं? संबलपुर में RDC ऑफिस गिरोह किए थे, RDC ऑफिस में हम लोग लोकल एम्प्लॉयमेंट और हम लोग का लोकल फेस्टिवल जो होता है उनका अनदेखा करते हैं, उसके लिए स्ट्राइक किया था। तो सर जी, सर अभी आपको पब्लिक वोट देगा, तो यहाँ पर आपके कार्यकर्ता कैसे हैं संबलपुर में जो आपको वोट दिला सके, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है? बहुत बड़ा एरिया है, हर हम लोग का एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंस है वहाँ पे, हम लोग का ग्राउंड बूथ पे ग्राउंड लेवल पे आज भी लोग हैं। चलिए, हम भी चाहेंगे सर आप लड़िए, कम से कम नीचे लेवल के जो कार्यकर्ता है उनको पकड़िए जो आपको वोट दिला सकें। बड़े लोग कोई आपको वोट नहीं देगा, ना कोई वोट देने के लिए आता है। हम तो हमेशा चाहेंगे आप मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के लोगों को पकड़िए आपको वोट में, उनकी समस्या समझिए, उनके लिए क्या करेंगे, लोगों से वादा कीजिए। तो आपका तो कुछ एजेंडा होगा ना कि मैं जीतूंगा तो लोगों के लिए करने के लिए? मेरा जो पहला एजेंडा है एजुकेशन सिस्टम, अपना एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग करना है, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, और फ्री आस एंड पोल्यूशन, जो आस और पोल्यूशन वहाँ पे घिरा हुआ है, भूषण है, बहुत सारा प्लांट है, रोड साइड में देखेंगे अभी रेंगाली टू जासवा जाएंगे दोनों साइड में ट्रक बहुत सारा जाम है, आस है पोल्यूशन में, विदाउट हेलमेट और बाइक जाना बहुत मुश्किल है, वो सब मैं दूर करूँगा। नहीं, इधर के एरिया के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या जिस तरह औरतों कहती हैं हमको भत्ता बढ़े, महिलाओं के लिए हो, कई कार्यक्रम होते हैं जो भी BJD वाले और कांग्रेस वाले उसको मैनिफेस्टो में ला रहे हैं, वो मैनिफेस्टो जो है वो भी हम लोग करेंगे करेंगे। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ही चाहेंगे लोग मिले, युवा नेता है, इनका एक ही कहना मतलब है, जब हम संबलपुर लोकल के आदमी तो हम लोकल को आप क्यों नहीं प्यार करते, क्यों नहीं लाइक करेंगे? कोई बाहर से आता है तो आपको 5 साल तक दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम तो रोज़ ही आपको दिखाएंगे, आपकी समस्या को दूर करेंगे, ये इनका कहने का मतलब है। अब बाहर को एक बार जीतेगा तो 5-5 साल तक गायब हो जाता है, दिखते नहीं है, इसके पहले भी जो जीते तो कोई दिखाई नहीं दिया। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।